रेवाड़ी में हुई जोरदार टक्कर। चंदौली से बड़ी खबर सामने आई है, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानापुर थाना क्षेत्र की घटना, बाइक और गाड़ी में हुई जोरदार टक्कर। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली से खबर सामने आ रही है, थानापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, बाइक और गाड़ी में हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानापुर थाना क्षेत्र की घटना, बाइक और गाड़ी में हुई जोरदार टक्कर। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंदौली से, जहां थानापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। गाड़ी और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक और गाड़ी में हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं चंदौली से। अजीत, कितने बजे की घटना है ये? मैम, हम आपको बता दें कि लगभग 11 बजे रात की घटना है, और जब ये टक्कर हुई तो टाटा सुमो वाला इनको टक्कर मार के फरार हो गया। टाटा सुमो वहीं पर छोड़ के फरार हो गया अगला जी। फिर इनकी फिर वहीं की स्थानीय पुलिस इनकी बॉडी को लेकर संबंधित पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है जी। किस जगह पे ये घटना हुई है? ये पूरा बताया जा रहा है थानापुर शहीद स्थल पर पूरी घटना हुई है जी। बिल्कुल, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब गाड़ी को जो मौजूदा समय में गाड़ी मिली है घटना स्थल पर, उस गाड़ी के हिसाब से किस तरह से आरोपी को पकड़ेगी पुलिस? गाड़ी जो मिली है उस समय तत्कालीन में उसको छानबीन कर रही है पुलिस, किसकी गाड़ी है उसको खोजने में जुटी है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े थे चंदौली से। इंदौर में 6.7 करोड़ की धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी ऐप की धोखाधड़ी। जवानी क्लाइंट के रुपए ट्रांसफर किए, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने करवाया ट्रांसफर। पत्नी और मां के नाम से वॉलेट बनाकर ट्रांसफर। इंदौर में 6.70 करोड़ की धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी ऐप से की धोखाधड़ी। जापानी क्लाइंट के रुपए ट्रांसफर किए, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कराया ट्रांसफर। मां पत्नी के नाम से वॉलेट बनाकर ट्रांसफर। इंदौर में 6.70 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला आया सामने, क्रिप्टो करेंसी ऐप से की धोखाधड़ी। जापानी क्लाइंट के रुपए ट्रांसफर किए, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कराया ट्रांसफर। डीजे में डांस करने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर बरसी एक दूसरे पर कुर्सियां। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, बारात में डीजे में डांस करने के लिए हुई थी भिड़ंत, मारपीट में कई लोग हुए घायल। इस खबर पर मैसेज ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, कहां की घटना बताई जा रही है और किस तरह से कुर्सियां फेंकी गई एक दूसरे पर? के मामला ये फतेहपुर जनपद के अलीपुर सदेरा बदाग बहाद गांव की है, जहां पर एक नट बिरादरी में बारात आई थी और वहां पर ये डीजे पे जो डांस यानी गानों की फरमाइश को लेकर के इन दो पक्षों में जमकर कुर्सियां भी चली हैं, जिनकी तस्वीरें आप चित्र पे देख सकती हैं जी। और मामला ये हुआ कि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं।
लेकिन पुलिस नहीं पहुंची थी। बाद में पुलिस पहुंची है, गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं, पर पूरा मामला यही है कि संगीत के चलते ऐसा ये मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़े थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी में डेंगू के 9 नए मरीज मिले, शहर के अलग अलग इलाकों में मिली मरीज, डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 4652 घरों का किया गया निरीक्षण, दो घरों को जारी किया गया नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी में डेंगू के 9 नए मरीज मिले, शहर के अलग अलग इलाकों में मिले मरीज, डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत निरीक्षण, 4652 घरों का किया गया निरीक्षण। यूपी चुनाव से पहले दूसरे दलों को झटका देगी बीजेपी, आज कई दलों के नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिलाएंगे सदस्यता, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। यूपी चुनाव से पहले दूसरे दलों को झटका देगी बीजेपी, बड़ी खबर सामने आ रही है, आज कई दलों के नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिलाएंगे सदस्यता, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। यूपी चुनाव से पहले दूसरे दलों को झटका देगी बीजेपी, आज कई दलों के नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदेश में युवाओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण के लिए टेंडर, 4700 करोड़ रुपए का खुला टेंडर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा वर्क ऑर्डर, 2500 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे टैबलेट, 2200 करोड़ में स्मार्टफोन की होगी खरीद। प्रदेश में 68 लाख विद्यार्थियों को किया जाना है वितरण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदेश में युवाओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण के लिए टेंडर। उन्नाव में 2 ड्रग इंस्पेक्टर, 5 पुलिस, 7 पर एफआईआर दर्ज, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। यूपी चुनाव से पहले दूसरे दलों को झटका देगी बीजेपी, आज कई दलों के नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिलाएंगे सदस्यता, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। उन्नाव में 2 ड्रग इंस्पेक्टर, 5 पुलिस, 7 पर एफआईआर दर्ज, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। नकली दवा बनाए जाने की सूचना पर की छापेमारी, 28 अगस्त को की थी छापेमारी, छापेमारी में भारी मात्रा में दवाइयों की शीशी जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा था जेल, आरोपियों ने दवाइयों को नकली ना होने का किया चैलेंज, फॉरेंसिक लैब की सैंपल रिपोर्ट में दवाइयां सही पाई गई, इसी को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उन्नाव में 2 ड्रग इंस्पेक्टर, 5 पुलिस, 7 पर एफआईआर दर्ज, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश।